कामाख्या मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कामाख्या देवी को समर्पित है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए और ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थान कहलाए। यह मंदिर नीलांचल पहाड़ी के पश्चिम भारत में गुवाहाटी आसाम में स्थित है। प्राचीन काल में सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। इस मंदिर में आपको मुख्य देवी कामाख्या के अलावा देवी काली के अन्य 10 रूप जैसे घुमावती, मतंगी, बगोला तारा, कमला भैरवी, चिन्मासा भुवनेश्वरी और त्रिपुरा सिंदूरी भी देखने को मिलेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवी सती अपने पिता द्वारा किए जा रहे महान यज्ञ में शामिल होने जा रही थी, तब उनके पति भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और देवी सती बिना अपने पति शिव की आज्ञा लिए हुए उस यज्ञ में चली गई। जब देवी सती उस यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का घोर अपमान किया गया। अपने पिता के द्वारा पति के अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में ही कूदकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति से प्रतिशोध लेने का निर्णय किया और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ ये यज्ञ हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी के मृत शरीर को निकालकर अपने कंधे में रखा और अपना विकराल रूप लेते हुए तांडव शुरू किया। भगवान शिव के गुस्से को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा जिससे देवी के शरीर के कई टुकड़े हुए जो कई स्थानों पर गिरे जिन्हें शक्ति पीठों के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि देवी सती की गर्भ और योनि यहाँ आकर गिरे हैं जिससे इस शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। इस तीर्थ स्थल के मंदिर में शक्ति की पूजा योनि रूप में होती है। तो ये है कामाख्या मंदिर की निर्माण की कथा और अब हम बात करते हैं कामाख्या मंदिर के रहस्यों के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान और अचंभे हो जाएंगे। इस मंदिर के गर्भगृह में योनि के आकार का एक कुंड है जिसमें से जल निकलता रहता है। यह योनि कुंड कहलाता है। यह योनि कुंड लाल कपड़े व फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची मेले के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती है और इन 3 दिन में योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ कैसे आए। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाह रहे हैं तो आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट आना होगा जहाँ से कामाख्या मंदिर की दूरी 20 किलोमीटर है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको वहाँ से अनेकों बस और ऑटो मिल जाएगी और अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको कामाख्या स्टेशन आना होगा। यहाँ से कामाख्या मंदिर मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको बस और ऑटो मिल जाएगी जो सीधे आपको कामाख्या मंदिर ले जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।